तो so, आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था इसका वैकेंसी 2018 में आया था एंड इसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और रिज़ल्ट 2020 जनवरी में आ गया था और इसमें 200 हंड्रेड क्वेश्चन थे टोटल मार्क्स वाज़ 200 हंड्रेड क्वेश्चन एंड टू आवर्स का टाइम था वन ट्वेंटी मिनट्स ये ऑनलाइन पेपर था एंड इसमें हंड्रेड वर्स जी के मैथ हिंदी रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड हंड्रेड व सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर होता है हंड्रेड मार्क्स का वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपका सेकेंड सेकेंड जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है वो चेक नहीं किया जाएगा एंड इट विल रिक्लेयर एट फेल्ड सो आपको जी के रीजनिंग और मैथ हिंदी इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है सो दीज आर द क्वेश्चनस स्टार्टिंग विद रीजनिंग ये मैथ और हिंदी इंग्लिश अभी शुरू हो सकता है ट्वेंटी ईच क्वेश्चन होते हैं जब ये ट्वेंटी क्वेश्चन आप कर देते हैं उसके बाद ये सबमिट हो जाता है और नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं लेकिन बीच में आप सबमिट नहीं कर सकते ट्वेंटी क्वेश्चन करने के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं और अगर आपने एक बार सबमिट कर दिए ट्वेंटी क्वेश्चन तो आप उनको रिविजिट नहीं कर सकते हैं सो आर रीजनिंग उसके बाद आता है मैथ इंग्लिश हिंदी ये सब आता है सो वी आर नॉट गोइंग डिस्कस दैट हम ये फर्स्ट वाला पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं वी आर डायरेक्टली जम्पिंग टू दी आवर सब्जेक्ट नर्सिंग के जो क्वेश्चन हैं विल डायरेक्टली वो वो करने वाले हैं हम सो सो दीज आर आवर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन इसमें वन जीरो वन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द इलनेस करेक्टराइज बाई रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड लास्ट फोर शॉर्ट ड्यूरेशन जो इलनेस रैपिड ओनसेट सिम्टम्स के साथ शुरू होती है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है उस इलनेस को क्या कहते हैं यू हैव ऑप्शन एंड देर इज़ राइट आंसर ऑल्सो सो हम ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे वी डायरेक्टली टू द राइट आंसर सो ऑप्शन टू एक्यूट इलनेस एक्यूट इलनेस इस करेक्टर बाइट और रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड इट लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन दो तरीके की इलनेस होती है क्रॉनिक एंड एक्यूट क्रॉनिक लंबे टाइम में होती है उसके ऑनसेट सिम्टम्स धीरे धीरे होकर बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी लॉन्ग होता है सो दैट इज़ कोल्ड क्रॉनिक इलनेस और सेकेंड क्वेश्चन इज ये हिंदी में भी होता है साथ साथ ऐसा रोग जो लक्षणों की तिर शुरुआत द्वारा अभिलक्षित है छोटी अवधि के लिए रहता है अगर आपको इंग्लिश में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर टू कीपिंग वंस प्रोमिस इट्स एथिकल रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा है कौन से एथिकल प्रिंसिपल कीपिंग वंस प्रोमिस से रिलेटेड है सो फैडिलिटी ईमानदारी ऑनेस्टली जो फेडिलिटी का दूसरा मतलब होता है ऑनेस्टली कीपिंग वन प्रॉमिस एथिकल प्रिंसिपल रिलेटेड टू फैडिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी में भी है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द नर्स इज लिसनिंग टू द क्लाइंट कौन सा आपको ऑप्शन में से लगता है कि जो कम्युनिकेशन इज राइट नर्स इज लिसनिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम सो ऑप्शन टू नोडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट इफ देर इज़ नोडिंग इन बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड आई कॉन्टैक्ट सो दिस इज़ द प्रॉपर कॉम्युनिकेशन मतलब नर्स इज लिसनिंग द क्लाइंट्स नोडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट नोडिंग होता है सर हिलाना जो भी पेशेंट बात कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है उनको इशारे के साथ सर हिलाना इसको नोडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए नर्स हु टेकिंग केयर ऑफ ए क्लाइंट इन अ मेडिकल यूनिट नोटिस दैट अ क्लाइंट बिगिन टू ब्रीथ रैपिडली मेडिकल यूनिट में कोई पेशेंट है और उसको एकदम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है एंड पेशेंट इज स्टार्टड ब्रीथ रैपिडली जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है विच एक्शन बाय द नर्स रिफ्लेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग सो इन दैट कंडीशन द फर्स्ट एक्शन प्रायर एक्शन इज ऑप्शन थ्री ऑप्टेनिंग वाइटल साइन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है एंड वाइटल साइन चेक करना है कॉलिंग एमरजेंसी टीम नोटिफाई फिजिशियन रिक्वेस्ट एक्सटेस्ट से दीज आर दी लेटर थिंग जो प्रायर थिंग है दैट इज वाइटल साइन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी में भी है नेक्स्ट है इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज वन सिक्सटी बाई हंड्रेड प्रेशर इज वन सिक्सटी एंड डायस्टोलिक इज हंड्रेड देन हिज पल्स प्रेशर इज तो उसमें पल्स प्रेशर कितना होगा सो ऑप्शन टू इज़ लुकिंग राइट सिक्सटी पल्स प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर तो वन सिक्सटी में से हंड्रेड माइनस करेंगे सिक्सटी विल बी द आंसर सो ऑप्शन टू इज़ राइट पल्स प्रेशर इज़ वन सॉरी सिक्सटी ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज रेजोनेंस क्या है बेस्ट डिस्क्राइब एज सो रेजोनेंस इज़ ऑप्शन वन इज गुड राइट होलो साउंड क्रिएटेड बाई एयर फिल्ड लंग्स एयर फिल्ड लंग्स होलो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ कोल्ड रेजोनेंस सो ये ब्रीदिंग uh, साउंडस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछते हैं डी एस एस बी रेल्स वीज दीज एंड रेजोनेंस ये सब ब्रीदिंग साउंड भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है फंडामेंटल बुक से नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू पैलपेट लिम्फ नोड, लिम्फ नोड को कैसे किस टेक्निक से पैल्पेट करते हैं सो इसमें ऑप्शन थ्री इज राइट मूव द पैड ऑफ टू फिंगर इन ए सर्कुलर मोशन पैड ऑफ टू फिंगर मतलब आगे वाला पोर्शन जो आगे वाला पोर्शन होता है फिंगर्स का जो टू फिंगर्स के आगे वाले पोर्शन को सर्कुलर मोशन में मूव करके वी कैन पैलपेट दी लिम्फ नोड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम पर मैगनेट यूज फॉर ऑरल केयर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फंडामेंटल सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है पोटाशियम पर का कितना कंसंट्रेशन ओरल केयर के लिए रिकमेंडेड है सो ऑप्शन थ्री वन रेशो फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड ऑप्शन थ्री इज राइट आपको इतना ही कंसंट्रेशन यूज़ करना है फॉर दी ओरल केयर नेक्स्ट व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड फर्स्ट एड क्या है नोज ब्लीड में एपस्टक्सिस तो ऑप्शन फोर मेक द क्लाइंट लीन फॉरवर्ड पेशेंट को बैठने के लिए बोलना है और आगे की तरफ झुकाना है उसको लीन द फॉरवर्ड एंड ब्रेथ थ्रू द माउथ और मुंह से सांस लेने के लिए बोलना है सो दिस इज द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लेड नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेबल स्पून आर इक्वल हाउ मेनी मिली लीटर्स एम एल दो टेबल स्पून कितने मिली लीटर के बराबर होती है सो so, जो वन टेबल स्पून इज इक्वल टू फिफ्टीन एम एल सो टू टेबल स्पून इक्वल टू थर्टी एम एल ऑप्शन वन इसमें ए बी सी डी ऑप्शन नहीं होता इसमें वन टू थ्री फोर होते हैं नेक्स्ट है हमारा इफ फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ फाइव परसेंट एक्सट्रोज टू बी इन्फ्यूज इन फाइव आवर्स देन हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी इन्फ्यूज ड्रो फैक्टर फिफ्टीन ड्रॉप्स पर एम एल सो इसका ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था ऐसा क्वेश्चन इसमें फार्मूला यूज़ होता है फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम इन मिनट्स इन मिनट्स मिनट्स में आपको टाइम को कन्वर्ट करना है एंड मल्टीप्लाई बाई ड्रो फैक्टर ड्रो फैक्टर आपको पहले से दिया होता है सो so, आपके पास 500 हंड्रेड का सॉल्यूशन है वॉल्यूम है आपका 500 हंड्रेड 500 एल हंड्रेड डिवाइड बाय फाइव आर्स को अगर मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 15 सो आंसर इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज़ द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेड ट्रैक इंट्रामकुलर टेक्निक यूज इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक किस मेडिकेशन में यूज़ करते हैं सो इट शुड यूज़ इन डार्क कलर मेडिकेशन बिकॉज अगर जो डार्क कलर मेडिकेशन थोड़ा सा भी स्किन में उज आउट हो जाता है तो वहाँ पर डिसकलर डिस्कलरेशन हो जाता है विच नोट लुक्स गुड तो इसलिए जो डार्क कलर मेडिकेशंस होती हैं जैसे आयरन उनको जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक से ही देते हैं पेशेंट को नेक्स्ट है इफ ए वोमन इज़ 55 फाइव के जी एंड हाइट इज़ वन पॉइंट सिक्स फाइव मीटर देन वर्ट इज़ हर बी एम आई बॉडी मॉस इंडेक्स इसमें भी फॉर्मूला यूज़ होता है सो so, इसका फॉर्मूला होता है uh, वेट इन के जी एंड वेट इन के जी एंड हाइट का स्क्वेयर मीटर जो होता है हाइट मीटर का स्क्वेयर होती है सो so, आपके पास जो वेट है दैट इज़ फिफ्टी एंड जो ये वन सिक्सटी फाइव है ये आप दो बार करोगे so, इसको आप कैलकुलेट कर लेना फिफ्टी फाइव और इसको पहले मल्टीप्लाई करना है सेम जैसे इसका स्क्वायर निकालना है आपको और जो जो आंसर आएगा उसको फिफ्टी फाइव से मल्टीप्लाई करना है देन आंसर विल बी ट्वेंटी सो जो बी नॉर्मल जो बीएमआई होता है हमारा दैट इज़ एटीन पॉइंट फोर से लेकर ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन होता है एटीन पॉइंट फोर से कम जो होता है दैट इज़ अंडर वेट एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन से जो ज़्यादा होता है दैट इज़ ओवर और जो इसके बीच में बी होता है दैट इज़ नॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई ये वाटर सोलबल वाटामिन फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन आपको ऑप्शन दिए और पूछा है इसमें से वाटर सोलबल विटामिन कौन सा है सो so, जो वाटर सोलबल दो ही होते हैं हमारे विटामिन बी एंड सी बी एंड सी बाकी ए डी ई एंड के दीज आर फैट सोलबल वाटर सोल्यूबल सिर्फ बी और सी होता है तो आपको देखना है इसमें से वर्च विच इज़ बी या फिर सी सो रेटिनोल इज़ अ विटामिन ए कैल्सिरोल इज डी टोकोफिरोल इज के सो जो लेफ्ट है फॉलेट फॉलेट विटामिन बी का पार्ट है सो फॉलेट इज दी वाटर सॉल्यूबल विटामिन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ट्रू अबाउट क्वारसिकोर क्वारसिकोर इज ए न्यूट्रिशन पी ई एम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो होती है ये मनामस एंड क्वारसिकोर सो so, आपको ऑप्शन में से पूछा है विच इज नोट सो तीन ऑप्शन आपके फेवर करेंगे क्वारसिकोर को वन ऑप्शन इज नोट सो मोंकी फेस मोंकी फेस इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वारसिकोर बाकी इसमें सिल्की इजली फुल्ड हेयर हो जाता है पुअर एपेटाइट हो जाता है एडिमा प्रेजेंट इन लोअर लिम आर्म्स बट इसमें मोंकी टाइप फेस नहीं होता नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिसक्राइड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इंजाइम एंड इज़ ए मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइटरी फाइबर आपसे पूछा है कौन सी पॉलीसेक्राइड ह्यूमन इंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइटरी फाइबर है सो ऑप्शन ई सैल्यूलोस ये सिर्फ एनिमल ही डाइजेस्ट कर पाते हैं हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इसको बट इट्स ए डाइट्री फाइबर इसको थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे खा सकते हैं एज ए फाइबर सो so सेलुलोज की फॉर्म में ही जो एनिमल्स होते हैं कैटल्स वो सेलुलोज फॉर्म में ही अपनी बॉडी का ग्लूकोज यूज़ करते हैं नेक्स्ट है द प्रीमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज प्रीमिडिन बेस जो डीएनए में होता है वो क्या है दैट इज़ टू थायमिन अशेंसिल अमीनो एसिड नेक्स्ट हु यूज द टर्म साइको अनलिसिस टू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ माइंड एंड सिस्टम ऑफ थेरेपी माइंड और सिस्टम थेरेपी को यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे साइको एनालिसिस जिन्होंने निकाला था सो ऑप्शन थ्री सीगमेंट फ्रोड नेक्स्ट है ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड इंटेलिजेंस क्वाटन आई क्यू टेस्ट फॉर ए ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड द रिजल्ट इज सेवेंटी एट हाउ इज द आई क्यू इंटरप्रेटेड सो इस आई क्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है किसी अडल, आ, किसी अडल्ट का आई क्यू सेवेंटी एट है वॉट इज दिस डिस्क्राइब सो इट्स डिस्क्राइब बॉडर लाइन इंटेलिजेंस बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस सो आपको एक बात और पता होना चाहिए जो मैंटल रिटार्डेशन होती है उनका आई क्यू बिलो सेवेंटी होता है बिलो सेवेंटी से ट्वेंटी तक फिर उसमें भी मोड माइल्ड मोड्रेट एंड सीवियर काइंड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड जो हमारा क्वेश्चन का आई क्यू है दैट इज़ सेवेंटी एट सो दिस इज़ बोर्डर लाइन इंटेलिजेंस एटी से लेके कर एटी से लेके के वन फोर्टी तक आई क्यू देखते हैं जिनका वन फोर्टी होता है दैट इज़ कोड जीनियस और जो नॉर्मल आई क्यू एवरेज एन क्यू होते हैं वो नाइन्टी टू वन टन टेन तक वन ट्वेंटी तक होते हैं फिर उसके बाद सुपीरियर वेरी सुपीरियर एंड जीनियस नेक्स्ट क्वेश्चन अरेज द टाइप ऑफ थिंकिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आपको टाइप ऑफ थिंकिंग अरेंज करना है सो फर्स्ट इज द राइट नॉलेज कॉम्प्रिहेंसन एप्लीकेशन अनालिसिस सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन एज कंप्लीटेड सो आई टोल्ड यू जब ट्वेंटी क्वेश्चन हो जाते हैं यू हैव टू सब्मिट दैट इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम अभी जो होगा वो भी सेम पैटर्न में ही होगा ट्वेंटी क्वेश्चन होते ही आपको सबमिट करना है उसके बाद ही आपका ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन क्वेश्चन ओपन होगा और आप पीछे जाके अपना अगर आपको लग रहा है मैंने वो गलत कर दिया मैं सही कर सकता था तो वो आप खोल नहीं पाओगे एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको री ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक आप सबमिट नहीं कर सकते उस तक उसमें आप देख सकते हैं लेकिन सबमिट होने के बाद यू कॉन्ट री विजिट सो वन ट्वेंटी क्वेश्चन वन ट्वेंटी वन क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवा विद्योर ओवम इज़ कॉल्ड इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन परमेटोजो और ओम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं दैट इज़ कोल्ड फर्टिलाइजेशन जायगोट रिजल्ट मतलब जायगोट जब बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी यूट्राइन कैविटी की म्यूकस लाइनिंग को क्या कहते हैं दैट इज़ कोल्ड एंडोमेट्रियम थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हार्ट की और यूट्रस की लाइनिंग में हार्ट का जो होता है दैट इज़ एंडोकार्डियम और यूट्रस का होता है एंडोमेट्रियम नेक्स्ट है बाय विच वीक इज अ हाइट ऑफ प्रेग्नेंट यूटरस एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस हाइट ऑफ यूट्रस अम्ब्लाइकस तक जब पहुँचती है तो कितने वीक होता है उस टाइम पे? दैट इज़ ट्वेंटी फोर वीक्स ट्वेंटी फोर सिंपेसिस प्यूबिस से लेके अम्बलाइकस तक का जो डिस्टेंस uh, होता है कितने वीक में कवर होता है दैट इज़ ट्वेंटी फोर वीक्स तक कवर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन पूछा है कौन सा साइन लेबर पेन एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है सो so, इसमें नंबर वन ही ऑप्शन इज राइट पेन कन्फाइन टू द लोअर एबडोम इन ग्रोइन इसमें जो कन्फाइन लिखा है दैट इज़ रोंग यूजअली जो लेबर पेन होता है दैट इज रेडिएट लेकिन इसमें कन्फाइंड है पेन कन्फाइन सो यही ऑप्शन इज नोट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन बाकी प्रोग्रेसिव फेज में डाइल विद इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ वाटर दीज आर द ट्रू साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस वेन द प्रजेंटिंग पार्ट सिंक इन टू द्रू पैलविस इज कॉल्ड जब प्रजेंटिंग पार्ट ट्रू पेलविस में एंटर हो जाता है सिंक एंटर करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सो ऑप्शन थ्री लाइटनिंग और एंगेजमेंट भी बोलते हैं सो वैन द प्रजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटर्स एंटर टू द ट्रू पैलविस इज कोल्ड लाइटनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ ए प्रेग्नेंट लेडी एडवाइज टू डू एट होम वेन शी कंप्लेन ऑफ सडन गश ऑफ वाटर फ्लूड पर वेजाइना सम लेडी इज एट होम हु हैज़ कंप्लेन ऑफ गश ऑफ वाटरी फ्लूड पर एकदम से उसको फ्लूड पर वे ऐसे गश ऑफ फ्लूड ऑफ वाटरी पर वे ऐसे हो जाता है तो पूछा है उस टाइम व्हाट एडवाइस यू विल गिव ऑप्शन टू गो टू द इमरजेंसी इमीडिएटली मतलब एकदम से इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल के लिए बोलना है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सिरोसा लोकिया सिरोसा की ड्यूरेशन कितनी होती है ऑप्शन टू फाइव टू नाइन डेज लोकिया आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद फोर uh, वीक से सिक्स वीक तक परजायना डिस्चार्ज होता है दैट इज़ कोर्ड लोकिया और ये तीन पार्ट वाला होता है रूबरा लोकिया रूबरा लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बिन एल्बिन सो so, जो ये बीच वाला है लूकिया सिरोसा दैट्स लास्ट फोर फाइव टू नाइन डेज वन टू फोर डेज रूबरा होता है लोकिया रूबरा और बाकी नाइन डेज के बाद अप टू ट्वेंटी एट डेज और किसी किसी में सिक्स वक्त तक लोकिया एल्बा सो so, आज की वीडियो में इतना ही इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर अदर क्वेश्चन टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम थैंक यू